हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। ये बहुत अच्छी जगह है और ये जगह है पोइचा गुजरात में, क्योंकि मैं गुजरात में हूँ तो वहाँ पे हम लोग गए थे पोइचा, तो वहाँ पे थी। तो जो मेन एंट्रेंस है वो है गरुड़ जी की प्रतिमा से हम स्टार्टिंग करेंगे जब एंट्री करेंगे, और साथ में है गणेश जी की प्रतिमा। तो जब हम अंदर एंट्री करेंगे तो ये दो प्रतिमा सबसे स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगी। साइडों में जो है वो ऋषि मुनियों की प्रतिमा है, और यहाँ पर जो है आपको पूरा इतिहास देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे रामायण होगी, महाभारत हो गया और कृष्ण लीला। यहाँ पे पूरी प्रतिमा इसी तरह से ये जगह बनाई हुई है कि आपको हर चीज़ देखने के लिए मिलेगी। और ये थोड़ा सा जो रास्ता है, हम लोग इसी रास्ते से अंदर जाएंगे, और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो उसे देख के समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। और यहाँ पे पूरा मतलब इन लोगों ने ऐसे बनाया कि जैसे आप देखते जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। पूरा जंगल जैसा है और उसमें हर चीज़ इतने अच्छे से इन्होंने मतलब उसको दर्शाया है कि देखने वाला मतलब खुश हो जाएगा। और ये जगह इतनी बड़ी है कि आप 1.5-2 घंटा इसमें आराम से घूम सकते हो, और कृष्ण लीला मतलब इसमें मतलब हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से इन लोगों ने दिखाई हुई है, कैसे कैसे उन्होंने कृष्ण लीला की थी, क्या कैसे उन्होंने युद्ध किया, मतलब हर चीज़ देखने लायक थी इसमें। और एकदम ग्रीनरी भी बहुत अच्छी थी, एकदम हरा भरा था और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाऊँ, क्योंकि जो गुजरात के लोग हैं वो तो सब लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे जो है जब राम लक्ष्मण और सीता जी वन को गए थे तो वो आपको सामने प्रतिमा दिख रही है, वो इन लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये शंकर जी पार्वती जी का दिखाया है। और गाइस सच में अगर आप कभी पहुँचाओ तो ये जगह बहुत अच्छी है, देखने लायक है, मतलब दिल खुश हो जाता है अगर आप अंदर जाओ तो, इतना सब कुछ अच्छे से मिल जाता है देखने के लिए। और जगह जगह ऋषि मुनि क्योंकि और जैसे कि लव कुश की जो पाठशाला थी वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई है। और ये यहाँ पे झरना था सीढ़ी के नीचे, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। पानी तो कहीं भी बहे भाई बहुत अच्छा ही लगता है। तो यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे, मतलब ये पूरा एरिया इतना अच्छा था, अगर आप इसको टाइम देके देखो तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे है कुंभकर्ण, जब रामायण में युद्ध हुआ था तो कुंभकर्ण को उठाया गया था, वही यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया है। और ये है सागर मंथन, जब शेषनाग से सागर मंथन हुआ था वो इन्होंने पूरा दिखाया है। और ये साथ में दिखाई है द्रौपदी चीरहरण, जो सभा बैठी थी महाभारत में वो इन लोगों ने दिखाया है। पूरा पूरी सभा कितने अच्छे से इन लोगों ने मतलब ऐसा लगा कि रियल है, रियल चल रहा है। तो ये द्रौपदी का चीरहरण था, वो सब इतना अच्छे से इसमें दिखाया, मतलब बहुत अच्छा था सब कुछ। और यहाँ पे आ गए हैं हम म्यूजियम में, तो मतलब सारी चीज़ें लगा के इतिहास मिल जाएगा आपको, और पूरी साइंस से रिलेटिव सब चीज़ें थी इसके अंदर। और यहाँ पे जो है अब हम आ गए हैं चिड़ियाघर, मतलब देखने के लिए ये भी यहाँ पे एक से एक पक्षी थे, बहुत अच्छे से इन लोगों ने बना रखा था, तो देखने लायक है भाई। मतलब आप यहाँ पे घूमने आओ तो आप घूमते ही रह जाओगे, इतनी अच्छी जगह थी। और इसके अंदर ना चिड़िया अंदर जा रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। एक पेड़ था उसके ऊपर जैसे घोंसला टाइप का था, तो उसके अंदर अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे आपको हर तरह का पक्षी मिल जाएगा, हर तरह की मतलब चिड़ियाबल मतलब बहुत सुंदर सुंदर थी। और उसके बाद अब हम आ गए म्यूजियम में अंदर, तो ये पूरा जो एरिया था इसमें इतनी सुंदर सुंदर मतलब वे थी, पिक्चर्स थी, मतलब पूरा इन लोगों ने कांच के अंदर जैसे मैप बनाते ना बना के रख रखा था, पूरा देखने लायक था। तो ये सब भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे क्या टाइम आपके पास हो तो आप अच्छे से देख सकते हो। और ये जो था जो स्वामी नारायण मंदिर जो पोइचा में हम लोग देखने आए हैं उसका मैप है, वो कैसे कैसे बना है उसका पूरा डिज़ाइन यहाँ पे इन लोगों ने रख रखा है। तो ये पूरा स्वामी नारायण का जो है मैप है। और ये है विष्णु भगवान की प्रतिमा, बहुत बड़ी प्रतिमा थी, मतलब लोग यहाँ पे इसको देखते हैं तो मतलब अच्छा भी लगता है, और बहुत ऊँचाई पर है।
ये विष्णु भगवान आराम में है और ये है भूत बंगला। इसके अंदर आप जाओगे, थोड़ा स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, फिर अंदर जाते जाते बहुत अंधेरा हो गया था तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाए। पर ये इसमें डर भी लगता है भाई, छोटा बच्चा साथ में हो तो डर जाएगा। इसी तरह से आगे अंधेरा अंधेरा था। और उसके बाद आ गए हैं हम इस एरिया में जहाँ पे हर तरह की फ़िश रखी हुई हैं, मतलब एक से एक फ़िश थी। जो फ़िश मैंने पहले कभी नहीं देखी वो मैंने यहाँ पे आके देखी है, मतलब हर तरह की फ़िश थी। इन लोगों ने जो ये सब बनाया ना, इतने अच्छे से बनाया है कि आदमी मतलब ना चाह के भी वो घूमेगा, इतनी अच्छी जगह है। और जो इसकी टाइमिंग है वो सुबह दोपहर 1 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक की टाइमिंग है, बाद में बंद हो जाता है। और सुबह तो 1 बजे ही खुलता है, तो जो लोग पोचा घूमने आते हैं तो वो उसी हिसाब से आते हैं कि यहाँ पे भी आप जाके देख लो। और ये पूरे जो है साइंस के प्रोजेक्ट थे। तो गाइज अगर आप पोईचा घूमने जाते हो तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। हालांकि गुजरात में जो लोग रहते हैं वो तो सब लोग यहाँ पे घूमे हुए हैं, पर आप अगर कभी बाहर से आओ तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इस तरह की और नई वीडियो लेके मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और इन्जॉय कीजिएगा। बाय बाय।